हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू टुसाला फाउंडेशन। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द आईएससी बोर्ड। तो यार आज के इस वीडियो में हम आईएससी बोर्ड की कंप्लीट डिटेल कवर करेंगे कि आईएससी बोर्ड क्या है, कैसे काम करता है, किन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना चाहिए इस बोर्ड में, किस तरीके से इस बोर्ड का काम रहता है। तो यार सारी चीज़ें कवर करेंगे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आईएससी बोर्ड की। तो देखो आईएससी बोर्ड जो तुम्हारा होता है, पहली चीज़ तो ये है कि यार ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर कोई बच्चा 12th करना चाहता है तो यार वो कर सकता है। तो यार 12th के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो यार तुम क्या करोगे, पहले 11th करोगे, फिर 11th के बाद तुम क्या करोगे, 12th करोगे। और यार जो तुम्हारा ICSE होता है वो यार तुम्हारा 9th-10th के लिए होता है। तो तुमको ध्यान ये देना है कि यार ISC की अगर बात कर रहे हो तो तुम 11th-12th की बात कर रहे हो, अगर तुम ICSE की बात करो तो तुम यार 9th-10th की बात कर रहे हो। अब यार इसमें कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं जो एक क्वेश्चन को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ISC का मीनिंग क्या है। तो देखो ISC का जो फुल फॉर्म है वो यार तुम्हारा होता है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। क्या होता है यार, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। अब अगर मैं बात करता हूँ ये बोर्ड कैसा है, प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, कैसे क्या काम करता है, तो यार ये बोर्ड क्या है, तुम्हारा प्राइवेट बोर्ड है। अब यार आगे हम बात करते हैं कि ये स्कूल किसके अंडर है। तो यार ये स्कूल तुम्हारे जो होते हैं ISC बोर्ड के, ये तुम्हारे CISCE के अंतर्गत होते हैं। अब यार तुम यार सोच रहे होगे कि यार CISCE क्या है, तो यार ये एक तुम्हारी एक क्या काउंसिल है, इसका तुम्हारा पूरा नाम होता है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो यार ये तुम्हारा CISCE का पूरा नाम है। अब यार ये CISCE कब बना था, ये तुम्हारा यार डेवलप हुआ था इन द 1958। और यार यहाँ पर जो तुम्हारी प्रिपरेशन होती है वो यार इंग्लिश मोड में होती है। तुम्हारा मतलब मीडियम जो रहता है वो इंग्लिश मीडियम रहता है। अब यार अगर तुम्हारा क्या है, कोई स्टेट में तुम रहते हो, तो यार स्टेट की कई बार क्या होता है, स्कूल्स में लोकल लैंग्वेज यूज़ कर ली जाती है। जैसे UP है तो यार हिंदी यूज़ कर ली जाती है, कर्नाटका तो भाई कर्नाटका की लोकल लैंग्वेज यूज़ कर ली जाती है, अगर तुम गुजरात में हो भैया तो गुजरात की लोकल लैंग्वेज यूज़ कर ली जाती है। तो यार मेन फोकस तो यार इंग्लिश पे रहता है, बट यार कई बार चीज़ें समझाने के लिए जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको यूज़ कर लिया जाता है। अब यार इसका हम बात करते हैं कि यार ये तो बेसिक चीज़ हो गई, बट यार हम जानना चाहते हैं कि यार क्या हम इस ISC बोर्ड में एडमिशन लें या फिर अपने CBSE में ले लें या हम अपने स्टेट के बोर्ड में ले लें। तो वो देखो समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, अगर यार मैं तुमसे बात करता हूँ तीनों चीज़ों की कि यार तुम्हारा जो बोर्ड है और जिस तुम बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हो, तो यार उनमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं वो देखना तुमको समझना ज़रूरी है। देखो एक तो बात कर रहे हैं ISC की, ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे हैं CBSE की, और यार तीसरी हम बात कर रहे हैं तुम्हारे स्टेट बोर्ड की। देखो यार अगर हम तुम्हारे स्टेट बोर्ड से उठाएं, तो देखो स्टेट में क्या होता है, जो पढ़ाया जाता है स्टेट बोर्ड में क्या होता है, जो लोकल लैंग्वेज होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और यार यहाँ पर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, स्किल्स है, उस पर इतना यार ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यार कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड होते हैं यार, इसलिए बच्चे क्या है वहाँ से शिफ्ट होके क्या है, या तो CBSE में आते हैं या फिर ICSE में जाते हैं। अब यार बात यहाँ पर ये आती है कि यार CBSE में जाएं कि ISC में जाएं। अगर देखो तुम CBSE की बात करो, देखो CBSE में और ISC में इन दोनों का यार अगर हम 11th-12th की पैटर्न की बात करते हैं, तो यार फिजिक्स में ये पैटर्न क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो यार केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो यार मैथ्स में ISC को हम प्लस पॉइंट देना चाहेंगे। तो यार हम मैथ्स में इसको क्या है, प्लस पॉइंट देना चाहेंगे। अगर हम बात करते हैं फॉर द बायोलॉजी, तो यार बायोलॉजी में भी हम क्या करेंगे, ISC को पॉजिटिव पॉइंट देना चाहेंगे। तो देखो सब्जेक्ट वाइज मैंने तुमको समझाया कि भाई किसके लिए क्या बेटर रहेगा, क्योंकि देखो यार होता क्या है कि कई बच्चे जो है अपनी प्रिपरेशन IIT के लिए करना चाहते हैं या फिर NEET के लिए करना चाहते हैं या फिर मान लो ND वगैरह के लिए करना चाहते हैं। तो यार देखो IIT वाला बच्चा सोचता है, NEET वाला बच्चा सोचता है कि यार
एनसीईआरटी पढ़े तो वो बेटर रहेगा कि पेपर एनसीईआरटी वेस्ट होता है। देखो यार, मैं तुमको बिल्कुल बता रहा हूँ कि यार ये सिर्फ एक मिथ है, ये सिर्फ एक मिथ है कि भैया पेपर जो है एनसीईआरटी वेस्ट होता है। देखो यार, होता क्या है, तुम एक चीज़ खुद सोच कर देखना। देखो यार, जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें एनसीईआरटी बुक चलती है, और जो स्टेट बोर्ड होता है उसका बच्चा कहीं ना कहीं सीबीएसई वाले से पीछे रह जाता है। सीबीएसई का बच्चा स्टेट वाले से आगे है, और सीबीएसई की जो संख्या है बच्चों की वो आईएससी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अब यार जब बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो यार सिलेक्शन भी तो ज़्यादा होंगे, और जब सिलेक्शन ज़्यादा होंगे तो जो इंटरव्यू कई बार हो रहे होते हैं तुम्हारे सामने, वो सीबीएसई बच्चों का होता है, और जो बच्चा वो कह देता है इंटरव्यू में, सब लोग उसी बात को मानने में लग जाते हैं। अब देखो, नंबर ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के, जो संख्या है स्टूडेंट्स की वो ज़्यादा है सीबीएसई वालों की, इसलिए कई बच्चों का इंटरव्यू ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। और जैसे आईएससी के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है तो यार उनमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है तो यार उनमें का नंबर कम दिखाई देता है। तो कहने का मतलब यार ये है कि सिलेक्शन अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पर, कि अगर सीबीएसई में 20 लाख बच्चे हैं, 30 लाख बच्चे हैं, अगर हम इस तरीके से काउंट करें और कितने बच्चों ने निकाला एग्ज़ाम वो काउंट करें, और आईएससी के बच्चे काउंट करें टोटल बच्चे कितनों ने निकाला, तो यार तुम एक चीज़ ये पाओगे कि यार जो बेटर बोर्ड है वो तुम खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे। बट यार अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ तुमको, तो यार मेरे अकॉर्डिंग जो तुम्हारे लिए बेस्ट बोर्ड रहेगा वो आईएससी रहेगा। वो क्यों बता रहा हूँ मैं तुमको, क्योंकि यार यहाँ पर हमको मैथ्स में और बायोलॉजी में एक बेटर वे में पढ़ने का मौका मिलता है। क्योंकि यार अगर मैं तुमसे बात करूँ एनसीईआरटी बुक की, तो यार एनसीईआरटी बुक अगर तुम खुद उठा के देखोगे, यार एनसीईआरटी बुक्स तुम्हारी ऐसी हैं कि यार तुम इसको खुद पढ़ने बैठोगे ना तो तुमको समझ ना आने वाली, ये तुमको समझ ना आने वाली बिल्कुल। और अगर डाउट हो उठा के देख लेना। अगर तुम सोच रहे हो कि यार बुक लेके कौन चेक करेगा, ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है एनसीईआरटी की बुक्स, तो तुम एक बार एनसीईआरटी की फ्री बुक्स लेके ऑनलाइन देखो पढ़ के, क्या तुमको एनसीईआरटी बुक समझ में आ रही है, तो तुमको खुद ही पाओगे कि यार बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो तुमको समझ में ही नहीं आ रही। फिजिक्स उठा लेना, समझ में नहीं आएगी। केमिस्ट्री एक बार आ भी जाएगी लेकिन फिजिक्स नहीं आएगी। एनसीईआरटी में सिर्फ तुमको समझ में आएगी मैथ्स, और इसके अलावा तुमको कुछ भी चीज़ अच्छे समझ में नहीं आएगी। केमिस्ट्री भी 50-50% आ जाएगी, लेकिन जो फिजिक्स होगा वो तुमको बहुत दिक्कत देगा। अगर तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम्हारा फिजिक्स वीक हो गया, केमिस्ट्री वीक हो गया, तो सिलेक्शन कहाँ जाएगा तुम्हारा, सिलेक्शन में पीछे रह जाओगे। और जो तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम भी होगा ना, तो यार उसमें पीछे रह जाओगे। तो यार इसलिए मैं तुमको बस यही सजेस्ट करूँगा कि यार अगर तुमको एडमिशन लेना है तो यार आईएससी बोर्ड तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। और यार यहाँ पर तुमको स्किल्स को सीखने का भी मौका मिलेगा इस बोर्ड में। यार ये तुम्हारा प्राइवेट बोर्ड है, ये अपने बोर्ड में काम करता है और तुमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डेवलप करवाता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ तुमको क्या समझाता है। तो यार अगर तुम सोच रहे हो एक अच्छे बोर्ड में जाने की, तो यार तुमको मैं कहूँगा कि तुम आईएससी बोर्ड को चूज कर सकते हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा जो जेई का पेपर है, नेट का पेपर है, वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। जो तुम पढ़ रहे होते हो 11th 12th में, सेम पैटर्न पर तुम्हारा आईएससी बोर्ड है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। बस प्लस पॉइंट इतना कि यार तुमको जो मैथ और बायोलॉजी का वो अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर तुमको क्या बुक्स वगैरह काफ़ी अच्छे से मिल जाती हैं। बट भाई एनसीईआरटी में तुमको क्या दिक्कत बनी रहती है। और यार तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है जो तुम पूछना चाहते हो, तो यार तुम नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।